स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। राज्यभर में लोगों को लॉकडाउन के कारण जब जनता रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए भी काफी कठिनाइयों से गुजर रही है, इसी बीच जब सरकार ने भी अपनी ओर से बस आश्वासन दे रखा है, गरीबों की सहायता के लिए योजना तो बनाई गई है मगर योजना कब कार्यरत में आएगी इसकी स्पष्टीकरण अब तक नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के चलते जब एसएस न्यूज से मेरे सहयोगी सैफुद्दीन विजयपुर नगर के दौरे के लिए निकले तो एसएस न्यूज की नजर पड़ी कुछ ऐसे लोगों पर जो लॉकडाउन के मुश्किल समय में भी जनता की मदद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सैफुद्दीन की रिपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर का जो भुतनार बाईपास है, वो भुतनार बाईपास का जो बेंगलोर हाईवे, उस हाईवे के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा पीछे जो बाहर स्टेट से जो गाड़ी या ट्रक आ रहा है लॉकडाउन के चलते, आपको पता है इस लॉकडाउन में सभी होटल हो या ढाबा हो सभी बंद है और इस बंद के चलते जो गाड़ी वाला है उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसी के चलते बीजापुर का कुछ लोग हैं जो 15 से 20 लोग हैं, उन लोग मिल के अपने खर्चे से उनको पानी हो या खाना हो या कुछ चिप्स वगैरह हो उनको दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरा पीछे दे रहा है और इसी के चलते इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों का क्या कहना है और कब तक इन लोग देगा ऐसा खाना। ये देखो, हम 15-20 लोगों से अपने खुद के खर्चे से हम लोग कर रहे हैं। अब 7 तारीख तक का आदेश हुआ लेकिन उस तक तो जाता है नहीं जाता है मालूम नहीं, फिर भी जितने दिन होगा हम उतने दिन पूरा करेंगे कंटिन्यू। 7 तारीख तक आप कंटिन्यू देने वाले? हाँ, देना बोल के 7 तारीख आगे फिर से लॉकडाउन बढ़ाया, फिर हुआ तो फिर आगे करेंगे। अभी तो फिलहाल 15-20 लोग मिलके हमारे खुद के खर्चे से कर रहे, फिर आगे हुआ तो फिर और कंटिन्यू करेंगे। ये क्या सिर्फ दिन में ही दे रहे या रात में भी? नहीं सर, दोपहर के टाइम में दिन में ही दे रहे। दोपहर के टाइम? हाँ, दोपहर के टाइम में, खाने के टाइम को दे रहे, मॉर्निंग नहीं दे रहे हम लोग, दोपहर के टाइम में दे रहे। ये जो खाना है आप जहाँ पे पका रहे हैं, घर में पका रहे या किसी होटल में बोल? नहीं, ये हमारा एक पहचान वाले, हमको हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ढाबा था उनका, अभी बंद है फिलहाल, वो उधर ही थोड़ा बना लेके इधर आके सब दे रहे। गाड़ी चुन चुन के दे रहे हर गाड़ी को? हर गाड़ी को दे रहे, जो बाहर स्टेट का, अदर स्टेट का गाड़ी फिर रहा है ना, वो गाड़ी वालों को दे रहे हम, लोकल वालों को नहीं। मेरा नाम अरुण बोल के चलता। इतना लोगों को लेके जो जनता का सेवा कर रहा है, इस धूप में आपको कैसा लग रहा है? करने का मन हो रहा है या आपको चिड़ आ रहा है? करने के लिए बहुत कुछ मन आ रहा है। हमारे साथ में मधुर तिवारी शेठ और मुत्तू और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके एक घर पे, उनके फ्रेंड सर्कल के घर पे खाना पका के यहाँ पे भूतना जो बाईपास एरिया में है, आउट ऑफ स्टेट की जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी पे, हर एक गाड़ी पे अनाज और पानी दे रहे हैं। इसी के चलते जो भी आउट ऑफ स्टेट का गाड़ी आ रहा है सब लोगों को पता है कि यहाँ दे रहा है। आप कितना दिन से यहाँ पे दे रहे हैं? अभी हम तो कल से स्टार्ट किए हैं सर। आगे चल के लॉकडाउन जितना दिन रहेगा उतना दिन आप दे? इंशाल्लाह 7 तारीख तक देंगे और फिर आगे भी करेंगे तो फिर भी देंगे सब। आपका नाम? फयाज अहमद काजी। और लगातार अपडेट के लिए बने रहेगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।